गुरु नानक के जन्म दिवस के उपलक्ष में आज द्वारका में गुरु नानक की झांकियां निकाली गई। हर खबर की टीम ने गुरुद्वारा के कमेटी के लोगों से बात की व झांकिया में शामिल हुए लोगों से बात की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंदर सिंह छतवाल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ द्वारका फार्म का। अरविंदर जी, जैसे मैं आज देख रहा आप यहाँ पे बड़ा अच्छा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों की निकाली जा रही है, तो क्या प्रोग्राम है और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ कहाँ होती है? ये आज साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पूर्व है, जिसको आप जन्मदिन कहते हैं। आज से 549 वर्ष पूर्व गुरु साहब का जन्म जो है तलवंडी साहबों में हुआ था, जो अभी ननकाना साहब के नाम से मशहूर है। तो द्वारका की जितनी भी संगत है वो उनका जन्मदिन 23 तारीख को मनाया था। आज 25 तारीख को उनके जन्मदिन की खुशी में, उनके प्रकाश उत्सव की खुशी में एक बहुत विशाल नगर कीर्तन निकाला गया है, जो यहाँ एक ही गुरुद्वारा है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है बड़ी सुचारू रूप से वो काम करती है, तो उसके सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा है। सेक्टर 18 से हमने शुरू किया है और होते होते सेक्टर 12, 13, 4, 5, 6, 10 से होते होते फिर शाम को सेक्टर 11 गुरुद्वारा साहब में इसकी समापन होगा। सर, जैसे मैं देख रहा काफ़ी जो श्रद्धालु है इसमें आए हुए और बड़ी उससे सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सिख धर्म की जो नींव है वो दो बात पे लगी हुई है। पहला है सिमरन और सेवा। तो सिमरन का मतलब है कि हमेशा प्रभु को याद रखो, और सेवा का मतलब है कि मनुष्य चित्ता की सेवा करना। तो सेवा आप देखिएगा, किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे आप तो आपको लंगर की सेवा करते, जूलर की सेवा करते, सफाई की सेवा करते आपको आदमी मिलेंगे। ये सब गुरु नानक के उपदेश हैं जो जिसके ऊपर हम चलने का यत्न करते हैं बस। अच्छा सर, मैं देख रहा जगह जगह लंगर भी आप लोगों ने लंगर का भी सुविधा कर रखी, और जैसे मैं देख रहा था जो बच्चे हैं वो अभी कुछ कारनामे दिखा रहे थे, तो क्या कहेंगे? जो बच्चे कारनामे दिखा रहे हैं आप कह रहे हैं, वो हमारे यहाँ मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं, गतका बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि यदि कभी हमारे लिए ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आपने अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करनी है, ठीक है? तो वो उसके जो जत्थे हैं वो चल रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हो लंगर के लिए, तो जिस सोसाइटी, जिस मोहल्ले, जिस रोड के बाहर से ये नगर कीर्तन जा रहा है, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, वो आप गुरु नानक के प्रति आस्था रखते हैं, वो जो है आने वाली संगत को लंगर छकाते हैं। सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज साडे पहले गुरु, जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पुरब है, जिथे पूरे विश्व दे विच इस दिन बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। उसी प्रकार द्वारका दे विच भी असी इस गुरपुरब नूं बड़ी श्रद्धा, प्यार और मर्यादा दे नाल मना रहे हैं। 23 तरीक नूं गुरपुरब दे उत्ते बहुत सोहना प्रोग्राम किया गया सी, जिहदे विच दरबार साहब तो रागी जथे बुला के और उन्होंने संगतां नूं कीर्तन दे नाल जोड़िया सी। गुरु महाराज की अपार कृपा बरस रही है और सारिया संगत इस इंजॉय कर रही ने। मैं आप जी की टीम जी आके इस कवरेज कर रही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।
जो आज गुरु नानक जी का जन्मदिन पे यहाँ पे झांकियाँ निकाली जा रही है और मैं देख रहा आप लोग भी सेवा में आए हुए, तो क्या कहना चाहूँगे आप लोग? सेवा में यही कि हमें गुरु की सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके ही तन मन धन से हम वो हो सकते हैं, हमारा पार उतारा हो सकता है, इसलिए गुरु की सेवा करते हैं। हमें बहुत आनंद मिला सेवा करके। हाँ जी, सेवा करने से अंतरात्मा को शांति मिलती है। जो खुशी यहाँ आके हमें मिल रही है ना, वो आप सोच नहीं सकते कहीं पे भी नहीं। जो हम ये सेवा कर रहे हैं ना, बस तन मन धन हमारा तृप्त हो गया उससे। तो मैडम, जैसे ये यात्रा आपकी निकाली गई, कहाँ से निकाली गई और कहाँ से जाएगी द्वारका? सेक्टर 18 अतुल्य अपार्टमेंट से शुरू होके ये बाल भारती स्कूल के सामने से होते हुए 6 और 10 की मार्केट की ओर ये निकलते हुए फिर गुरुद्वारे में इसकी समाप्ति होगी। कौन से गुरुद्वारा? सेक्टर 11 गुरुद्वारा सिंह सभा में। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे सरवदा वाला। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।